गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी इन योर होम. डियर स्टूडेंट, टुमारो ऑल ऑफ यू हैव योर रिवियस एग्जाम, साइंस एग्जाम. सो इन दिस सीरीज टुडे आई विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी ऑफ योर साइंस बुक, ऑफ योर ईबीएस बुक. सो वी विल सी दिस ऑल टर्मिनोलॉजी. दिस इज 100% हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, ये आपको बहुत ही मदद करेगी आपके एग्जाम में. बिकॉज क्वेश्चंस आर देयर, डिफाइन इट, समटाइम्स डिफाइन दिस टर्म, समटाइम डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स. सो यू विल जस्ट डिफरेंशिएट बाय इफ यू नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट प्रॉपर टर्म. ओके, अगर आप किसी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हो तो यू कैन एड मोर लाइन्स, यू कैन जस्ट राइट समथिंग मोर अबाउट दैट. सो टूडे वी विल जस्ट डिफाइन सम टर्म from your book. This is from your EBS book of class 4. Okay, so just wait, I will see that. I'm sharing the screen. Yes, this is your important terminology of science. We will see here some important terminology are there. कुछ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो एट फर्स्ट वी विल सी अ टर्म दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, और ये जितने भी क्वेश्चंस है, और दिस ऑल क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आस्क्ड, ये सभी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उससे भी प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आस्क्ड है. सो इट विल बी योर सजेशन क्वेश्चन ऑल्सो, या आपके लिए आपकी सजेशन क्वेश्चन भी होंगी या हो सकती है. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. सो व्हाट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन? व्हेन वी जस्ट लर्न अबाउट आवर डाइजेशन, व्हेन वी जस्ट लर्न द चैप्टर डाइजेशन, दैट टाइम वी विल सी देयर. देयर इज अ क्वाइल्ड ट्यूब लाइक कनेक्टेड स्ट्रक्चर दैट कॉल्स व्हाट? दैट कॉल्स स्मॉल इंटेस्टाइन. So you can see here a long tube like coiled structure that connects the stomach and the large intestine. Just wait, yahan pe kuch mistake hai. It will be INTESTINER yahan pe nahi hoga. Okay, so small intestine is that. Our next term is that is saliva. We all know about it. Saliva is secreted by salivary gland. हम सभी जानते हैं saliva is secreted by salivary gland. A liquid secreted in our mouth by salivary gland is called saliva. A liquid we will see here, a liquid secreted in, यहाँ पे liquid और secrete के बीच में space नहीं है तो आप इसे समझ लीजिएगा. ए लिक्विड सिक्रीटेड इन आवर माउथ, जो कि हमारे मुंह में सिक्रीट होता है, और कहाँ से सिक्रीट होता है? बाय सेलेब्री ग्लैंड. सेलेब्री ग्लैंड से सिक्रीट होता है और हमारे मुंह में सिक्रीट होता है, हमारे माउथ बक्कल कैविटी में सिक्रीट होता है. दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड सलाइवा. ओके, नेक्स्ट टर्म इज कैनाइन्स. व्हाट इज आवर नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज कैनाइन. कैनाइन वी ऑल नो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ दिस, हम सभी जानते हैं, दैट इज मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन. तो दिस इज केनाइन. केनाइन का क्या होता है बच्चे? दिस इज अ, यस दिस इज केनाइन्स. सो केनाइन्स आर पॉइंटेड टीथ. आप याद रखोगे कुछ फ्लैट टीथ होते हैं, कुछ पॉइंटेड टीथ होते हैं, कुछ ज्वाइंट टीथ होते हैं. ये देखो ये क्या है, शार्प पॉइंटेड टीथ. इस टर्म को आप 100% याद कर लोगे, इससे आप केनाइन को डिफाइन कर लोगे. दिस इज शार्प पॉइंटेड टीथ यूज फॉर टीयरिंग द फूड. जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं फूड को, जो छिलने, मतलब अभी हम जब ऐसा कुछ, सपोज मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुगर केन. जब हम सुगर केन ईट करते हैं दैट टाइम्स वी यूज आवर केनाइन्स. जो हर्बी बोर्ड से मैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो ये फ्लेश खाते हैं उनके लिए तो ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टीथ होती है. ओके, आफ्टर देन वी विल सी हियर दैट इज एरियल रूट. मेनी टाइम्स आस्क क्वेश्चन ये एरियल रूट, समटाइम्स इट विल बी एरियल, मतलब इस तरीके की क्वेश्चन, ब्रीदिंग रूट्स, सारे एक ही चीज है और इसे बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में. वॉट इज एरियल रूट? ब्रीदिंग रूट्स कम आउट द सॉइल टू टेक फ्रेश एयर इज कॉल्ड
एरियल रूट्स. ब्रीदिंग रूट्स कम आउट द सॉइल टू टेक फ्रेश एयर इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड एरियल रूट्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टर्म दैट इज जर्मिनेट. व्हाट इज जर्मिनेट? टू ग्रो ए स्प्राउट. जो एक स्प्राउट होता है वो जो धीरे से बढ़ता है दैट्स कॉल्ड जर्मिनेशन. वो एक टर्म होता है और यहाँ पे मैंने जर्मिनेट को लिया बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर बुक. नाउ नेक्स्ट टर्म इज डाइजेशन. दिस टर्म इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स. ये भी बहुत बार पूछा जा चुका हुआ टर्म है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स. जैसे कि हम जब कुछ भी निगलते हैं, कुछ भी खाते हैं, दैट टाइम वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है और उसे जो उसका जो ब्रेकिंग डाउन होता है वो सिंपलर मेथड में हो जाता है सो दैट दे कैन डाइजेस्ट. ओके, सो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो सारा प्रोसेस जो ब्रेकिंग डाउन होता है उस फूड का, जो जहाँ से वो मुझे मेरे लिए डाइजेस्टेड हो जाता है, दैट टाइम तक का जो प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड डाइजेशन. ओके, एंड लास्ट टर्म इज दैट इज एवरग्रीन प्लांट. हम कभी देखते हैं जो वेट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं दैट्स कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट. जहाँ की जो जिसका क्या होता है, सेटिंग बहुत कम होती है, उनके पत्ते बहुत कम झड़ते हैं, दैट्स ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स. यू कैन सी हियर ट्रीज दे सेट देयर लीव्स ग्रेजुअली. बहुत ही कम, कभी कभी वो अपने पत्ते को सेट करते. सेटिंग हम सब समझ रहे हैं, जिसे पतझड़ भी कहा जाता है, जो पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं दैट्स कॉल्ड सेटिंग ऑफ ट्रीज. सो दैट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स. स्टूडेंट, दीज ऑल टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. सो लर्न दिस टर्म, राइट दिस टर्म्स. So this is very important. Okay, all the best for your examination. Bye bye, tata, take care, stay home, stay safe. All the best for your examination. Thank you.